हरे कृष्णा। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे अंतिम राशि मीन राशि के बारे में कि जो मीन राशि वाले जातक हैं आज का दिन उनके लिए कैसा होने वाला है, उनकी व्यापारिक स्थिति कैसी रहेगी, सामाजिक स्थिति कैसी रहेगी, रोग और शत्रुओं का क्या हाल होगा, और आज आपको नई नौकरी मिलेगी या व्यापार करेंगे या चैलेंजेज रहेंगे क्या रहेगा, सब बताएंगे। माता पिता से कैसे संबंध रहेंगे ये भी बताएंगे। और आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है, आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, ये सारी बात आज हम आपको बताएंगे। और यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो आप क्या करें कि इनबॉक्स में जाकर अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो आप अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके जरूर भेजें। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। तो जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन तमाम संभावनाओं वाला होगा। आपके सामने चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आप काफी आगे बढ़ेंगे। आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास काफी महत्वपूर्ण रहेगा। नौकरियां आपको मिलेंगे, बहुत सारी नौकरी एक साथ मिलते हुए दिख रही है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में कोई बड़ा प्लान कर रखे हैं तो उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। विद्यालय इत्यादि खोल सकते हैं, यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। शैक्षणिक कार्यों में आपकी रुचि होगी, आध्यात्मिक विकास होगा। नौकरी के लिए अगर आपने एफर्ट किया है तो बहुत सारी नौकरियां एक साथ मिलने का योग बन रहा है। यदि आपने प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम दिया है तो भी उसमें आपको सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। आज विद्यार्थी कोई विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहता है या विदेश में करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए आज का दिन मैनेजमेंट के लिए, टेक्निकल फील्ड के लिए, लॉ के लिए बहुत ही अच्छा है। आज आपको सफलता मिलेगी। यदि आप धन धान्य के क्षेत्र में कोई भी एफर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी आज आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। माता पिता का सुख मिलेगा। रोग और शत्रु परास्त होंगे। पाइपलाइन में जो भी कार्य होगा उसमें सफलता मिलेगी। साझेदारी में किया गया व्यापार से भी आज आपको लाभ मिलते हुए दिख रहा है। शेयर से, ट्रेडिंग से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी आज आपको धन मिलेगा। यदि आप कोई भी नए कार्य की प्लान करें तो उसके लिए समय बढ़िया है। पत्नी के स्वास्थ्य अच्छा होगा, उत्तम होगा। पत्नी को सरकारी नौकरी मिल सकती है। यदि आप इंडस्ट्री वगैरह में, राजनीति के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो आज आपको उसमें आशातीत, अप्रत्याशित रूप से सफलता मिलेगी। मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें आपको मिलते हुए दिख रही है। दूर देश की यात्रा का बन रहा है। तीर्थ यात्रा, देशाटन और तीर्थाटन इत्यादि होने की संभावना बने। घर में नए मेहमान के आगमन से मन प्रसन्न रहेगा। यदि आप भूमि भवन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन सर्वोत्तम है। आज आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, नौकरी इत्यादि के लिए, लग्जरी के लिए आज का दिन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी ये बरतनी है कि अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखना है और खान पान पर नियंत्रण रखना है। उपाय क्या करना है? आज आप क्या करें कि भगवान विष्णु की आराधना करें और माँ लक्ष्मी जी की आराधना करें। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः इस मंत्र का जप करें या ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह श्री बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें। पीला वस्तु दान करें, अपने गुरु माता को वस्त्र दान करें, अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है पीला। हरे कृष्ण।